पांडे, आपका एस जी आर ऑब्जेक्शन चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं फिलोसफी से असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आज हमारे बीच बात करने के लिए रोहित त्यागी जी हैं जिनका यूपीएससी में अभी सिलेक्शन हुआ है। तो आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आपकी कौन सी रैंक रही है? मेरी 74th रैंक रही है। 74th रैंक रही है। अच्छा, क्या एक्सप्रेशन था जब आपका रिजल्ट आया? तो आपने रिजल्ट खुद देखा या कैसे आपको पता चला रिजल्ट? रिजल्ट मैंने खुद ही देखा था। उस दिन मॉर्निंग से ही हो गया था कि आज रिजल्ट फाइनली आ रहा है। हाँ। तो रिजल्ट मैंने देखा था, दोपहर का टाइम था, 1:20, और चैनल जैसे मैंने वो स्टार्ट करा रिजल्ट देखना, तो मैंने अपना नाम से ही सर्च करा। देन मैंने अपना नाम पीडीएफ में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने रैंक देखी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ा सा अनबिलीवेबल भी था, बिकॉज डबल डिजिट में रैंक आ जाना ये अपने आप में एक ओवरवेलमिंग चीज़ है। बिल्कुल, डायरेक्ट एक आईएएस के आप रेस में हो गए, फिर आपको सोचना नहीं है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको देखना है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब किसको आपने रिजल्ट के बारे में बताया? मम्मी पापा या किसको? एक्चुअली मेरी मम्मी और पापा दोनों ही घर पे नहीं थे उस टाइम। अच्छा। तो दोनों फिर बाहर थे, तो इस वजह से मैंने जब पास में मेरे अंकल थे तो मेरे चाचा, मैंने उन्हें बताया था सबसे पहले। देन हाँ। मैंने अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, सबको बताया, दादी जी को, दादाजी को। हाँ। एंड मैंने फिर पापा मम्मी को फ़ोन करा दोनों को, फिर सब मैंने बताया उन्हें। बहुत अच्छा लगा, उन्हें काफ़ी खुश थे और बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, क्या मोटिवेशन रहा मतलब इस एग्जाम को क्रैक करने के पीछे? अच्छा, अभी पता चला बाहर आपके यहाँ की मतलब आपका काफी यंग एज में सिलेक्शन, 23 में आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ। तो क्या आपका मोटिवेशन था और स्कूलिंग कैसे हुई, थोड़ा सा वो बताया। मेरी स्कूलिंग यही मेरे घर के पास ही एक स्कूल है, वहाँ हाँ। से रही है, और फिर मैंने बीटेक करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो दिल्ली से ही करी है मैंने, मैं दिल्ली से ही। हाँ। तो ये मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन रहा है। फिर उसके बाद फाइनल ईयर में मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी, स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी शुरू करी और सोर्सेज को रेफ़र किया और बस मेहनत करी, और थोड़ा सा सपोर्ट रहा फैमिली की तरफ से काफ़ी, एंड तैयारी करते हुए अपना आगे। मोटिवेशन मेरा ये था कि मुझे कुछ अचीव करना है अच्छा, बिकॉज मैं अपने उसमें भरोसा रखता था कि मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ, और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। फैमिली का जो सपोर्ट था वो मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, बिकॉज जिन लोगों का आप में बिलीव है, आप उनको देख रहे हैं कि आपको वो पुश कर रहे हैं डेली बेसिस पे कि हाँ आप कर सकते हो, तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी चीज़ भी होती है और एक अल्टीमेट सोर्स रहता है वो मोटिवेशन का, ये था। जी अच्छा, जब मतलब रिजल्ट आया, फिर आपने रिजल्ट देखा, तो मतलब ये आपकी तैयारी का मतलब अभी हम आगे प्रोसीजर जानेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये मुझे बताइए, क्या कुछ फैमिली में बैकग्राउंड था क्या सिविल में, या कुछ कैसे आपको कुछ ऐसा था क्या सिविल बैकग्राउंड था? नहीं, मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अच्छा, आप पहले गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए? पहला मैं हूँ जिसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन। जी तो अच्छा, कैसे प्रीलिम्स, क्या ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था पहले ये आप बताओ, और फिर हम प्रीलिम्स से आते हैं। हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। हाँ जी, और मैंने 2022 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी इसकी। 2023 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट ये वाला अटेम्प्ट दिया था, और मेरा यही था कि कॉलेज के टाइम से मैंने स्टैंडर्ड किताबें पढ़ना और सोर्सेज को अपना लिमिटेड सोर्सेज रखना और फोकस्ड, थोड़ा सा तैयारी सिंपल रहे, ज़्यादा मैं कंफ्यूज ना रहूँ, कम से कम कंफ्यूजन रहे, यही मेरी सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी थी। लेकिन आपने जो बताया कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, ये थोड़ा सा एक इंस्पायरिंग भी है स्टूडेंट के लिए कि क्या अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो तैयारी की है कितना टाइम आपका लिया, मतलब एवरेज आपने कितना टाइम दिया ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए? ऑन अ डेली बेसिस? नहीं, डेली बेसिस भी आप बता दो, और ओवरऑल कितना टाइम आपने सिविल के लिए दिया? जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फाइनल ईयर में अपना स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो हाँ। ये टाइम था कुछ मार्च 2022 के आसपास का टाइम था ये, एंड फिर वहाँ से अपना तैयारी करते हुए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने सबसे पहले जो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ रही वो ये था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने सबसे पहले चूज़ करा जी, देन ऑप्शनल सब्जेक्ट को अपना फिनिश करा, एंड साथ साथ मैं GS भी कवर कर रहा था स्टैंडर्ड सोर्सेज से, बट प्राइमरीली जो गोल था वो ऑप्शनल को कंप्लीट करना था। स्टैंडर्ड किताबें ही सब जो बुक लिस्ट टॉपर सजेस्ट करते हैं टॉपर्स के उससे, देन आफ्टरवर्ड्स GS वगैरह भी करा, थोड़ी सी आंसर राइटिंग वगैरह मैंने प्रीलिम्स से पहले भी करी थी जी, एंड देन उसके बाद प्रीलिम्स का टाइम था, देन अकॉर्डिंगली प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन हुई। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक लिस्ट आपने कौन सी फॉलो की, या कॉमन बुक लिस्ट जो एक एस्पिरेंट यूज कर सकता है कि हाँ ये कॉमन है, बाकी बहुत सारी चीज़ें पर्टिकुलर टू वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन? प्रीलिम्स के लिए मैंने कॉमन बुक लिस्ट है बहुत, जो मेरे ख्याल से आपको हर वेबसाइट पे
हर जगह सब कुछ मिल जाएगा, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट मेडिविल के लिए तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी आती है वो, देन आपका एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक थी उसको मैंने पढ़ा, बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर्स होते हैं 12th क्लास के वो मैंने पढ़े, देन इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल के नोट्स जो आते हैं अवेलेबल होते हैं वो मैंने पढ़ा, और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी कंटिन्यू रखी, मैंने कभी भी न्यूज़पेपर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मैंने अपना न्यूज़पेपर बहुत डिलीजेंटली फॉलो करा है, एंड नोट्स मैंने ऐसे नहीं बनाए न्यूज़पेपर से, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट दिखता था तो मैं उसे हाईलाइट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था, तो थोड़ा सा ये रहता था कि वो चीज़ रहेगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए ताकि मैं जस्ट अवेयर रहूं, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड सोर्सेज ही थे नॉर्मली, देन थोड़ा मैगजीन्स जो रहती हैं ईयरली कंपाइलेशन जो आती हैं पीटी के लिए मैंने वो रेफर किया। मंथली आपने नहीं देखी? नहीं, मैं मंथली मैगजीन एक्चुअली मेरे से हो नहीं पाता था। अच्छा। तो मैं फिर 2-3 महीने मैंने मंथली मैगजीन ट्राई करी थी, देन उसमें अगेन रिवीजन की प्रॉब्लम आना और टाइम का थोड़ा सा इशू आना, तो मैंने इसलिए मेनली ईयर एंड कंपाइलेशन पे ही मैं रिलाई करा था। जी, अच्छा, अगर हम GS 1, 2, 3 ऐसे करके चले तो GS 1 के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया, क्या क्या आपने नोट्स फॉलो किए या बुक लिस्ट क्या, बेसिक बुक लिस्ट क्या रहे मेंस के लिए? हाँ, मेंस के लिए। ओके, जैसे GS 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी ब्रॉडली 3 चीज़ें आती हैं, तो हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम है वो मोर देन इनफ है, एंड एंशियंट मेडिवल के लिए आपका तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, जो हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए मैं मानता हूँ कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं तो स्टैंडर्ड सोर्सेज जो प्रीलिम्स के रहते हैं वही सेम ही रहेंगे। हाँ जी, एंड सोसाइटी के लिए आपको मेरे ख्याल से जो कोचिंग का मटेरियल है वो भी इनफ है, और आपको प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स हैं वो भी इनफ है, तो मैंने दोनों ही रेफर करते हुए कहीं ना कहीं जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में थोड़े से नोट्स को भी रेफर करा, प्रीवियस ईयर टॉपर्स जो थे उनके नोट्स को भी रेफर करा, और बाकी वैल्यू एडिशन करा, न्यूज़पेपर वगैरह से कुछ अच्छा टॉपिक मिल जाता था वहाँ से, एंड ज्योग्राफी में आपका वही 11th 12th की एनसीईआरटी, एक्चुअली ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो उसके लिए फिर मुझे ज्योग्राफी अलग से नहीं तैयार करना पड़ा, और आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने जो मतलब आर्ट एंड कल्चर मेरा मोस्टली मेरी तैयारी नोट्स से ही रही है, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हो जाते थे, थोड़ा सा वहीं से मैंने कोशिश करी है कि वहाँ से तैयारी करी जाए। मैं नितिन सिंघानिया में फॉलो करना चाहता था बट समय की थोड़ी कमी की वजह से मैंने नितिन सिंघानिया में फॉलो नहीं कर पाया था, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी हालांकि बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं बट मैंने श्रेयांश कुमार सर के नोट्स जो अवेलेबल हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वो मैंने रेफर कर लिए थे, थोड़ा सा जल्दी उसे तैयारी हो जाती है शॉर्ट टाइम। मेरा GS 1 की मोस्टली यही स्ट्रैटेजी है। GS 1, और फिर GS 2 के लिए आपने क्या किया? अब कंटिन्यू GS 2, 3 एंड 4 आपके लिए? GS 2 के लिए मैंने फिर अगेन पॉलिटी है उसमें, जैसे तो पॉलिटी के लिए मैंने स्टैंडर्ड वही लक्ष्मीकांत की बुक थी उसको अपना स्टैटिक उसमें अच्छे से प्रीलिम्स के लिए हो जाता है कवर, फिर अपना गवर्नेंस का पार्ट आता है अगेन उसमें जैसे सोसाइटी कवर करते हैं, टॉपर्स के नोट्स हो गए, कमीशंस की रिपोर्ट्स हो गई, ARC रिपोर्ट्स हो गई, देन आपका गवर्नेंस में कोचिंग के कुछ नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, एंड देन IR के लिए मैं बताऊँगा कि IR के लिए जैसे न्यूज़पेपर बहुत एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, न्यूज़पेपर होना बहुत ज़रूरी है IR को अगर आप रेफ़र कर रहे हैं, और वहाँ से आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि IR में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मेजर इंसिडेंट्स क्या हैं, तो वो वहाँ से कवर हो गया, एंड मेजरली यही था GS 2 के लिए। एंड देन GS 3 के लिए जैसे इकोनॉमी के लिए आई थिंक मृणाल के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वहाँ भी अगेन जो जो मेन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसमें मैं बता दूंगा कि मेनली जो रहा है वो विजन या फिर कोई और कोचिंग है जैसे उनके जो जो नोट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं वहाँ से कवर कर लेना, और टॉपर्स के नोट्स को एक्सटेंसिवली यूज़ करना, बिकॉज उन लोगों ने आप कंसाइज कर रखा है इस चीज़ को तो वो टू द पॉइंट चीज़ें आ जाती हैं, कई बार अच्छा डेटा मिल जाता है, किसी कमिटी की रिपोर्ट आ जाती है, तो टॉपर्स के नोट्स को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करा जा सकता है। जी, तो टॉपर्स काफ़ी उसमें कंट्रीब्यूट करते भी हैं आजकल, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है तो उससे बहुत सपोर्ट है। एंड देन GS 4 के लिए एथिक्स के लिए मैंने फोरम की एक रेड बुक करके आती है एथिक्स के लिए, मैंने उस रेड बुक को रेफर करा, उसको बेस मटेरियल माना, फिर अगेन टॉपर्स के नोट्स थे तो टॉपर नोट्स को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करा, उन्होंने कोट्स अच्छे कोट्स लिखते हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के एग्जांपल्स होते हैं उसमें, अच्छे रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, उनका एक उनकी एक अप्रोच दिखती है कि सब्जेक्ट को इस तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है, तो मेजरली मेरे यही चीज़ के सोर्सेज। तो अच्छा, आपने ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल चूज किया,
जबकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, तो क्यों ज्योग्राफी आपने चूज किया ये भी आप बताओ, और फिर आप एक कॉमन बुक लिस्ट बता सकते हो जो ज्योग्राफी के लिए आपने यूज की। ज्योग्राफी मेरा चूज करने का जो मेन वो था, ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्ट रहा था, मेरा 10th क्लास तक SST पढ़ी थी जो, और डिसाइड करते टाइम मेरा यही था कि मैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसे एफिशिएंटली और काफ़ी बिना थके उसे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ सकूँ, तो ज्योग्राफी मुझे ऐसा सब्जेक्ट दिखा था और फिर बस इसी के साथ मैंने स्टार्ट करा। और स्टैंडर्ड सोर्सेज ही रहे हैं जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स बताते हैं, मैं नाम बता देता हूँ बुक्स के जो मैंने फॉलो करी थी। जैसे इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लेता हूँ, तो इसमें सविंदर सिंह की किताब आती है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, क्लाइमेटोलॉजी के लिए, ओशियनोग्राफी के लिए, ये तीनों के लिए मैंने सविंदर सिंह की अलग अलग किताबें रेफर करी थी। देन आपका बायो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ज्योग्राफी, ये या तो टॉपर नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं या फिर कोचिंग कंपाइलेशंस होती हैं वहाँ से आप टॉपर कोचिंग नोट्स होते हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने वही दोनों चीज़ें ही यूज़ करी थी। एंड फिर आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे, ह्यूमन ज्योग्राफी पे मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की एक बुक आती है वो फॉलो करी थी, एंड आपका मॉडल्स एंड थ्योरीज आती हैं वो मैंने, माजिद हुसैन की बुक थी वो मैंने फॉलो करी थी। एंड फिर आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने DR कुल्लर की एक बुक आती है, आप दोनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं, माजिद हुसैन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वो भी बहुत अच्छी बुक है, एंड DR कुल्लर वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप कुछ भी उसमें से दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली यही मेरा मेरी बुक लिस्ट है। अच्छा, इंटरव्यू से पहले अभी SA का पेपर बच गया, तो SA के लिए आपने क्या क्या रेफर किया और SA को कैसे टैकल किया? एक्चुअली मैंने SA में ज़्यादा इतना मैं कर नहीं पाया था बिकॉज GS और थोड़ा सा ऑप्शनल में टाइम लगा था, तो SA के लिए मैंने बस जो मेरा सोल सोर्स रहा था वो ये था कि प्रीवियस ईयर में जो SA पूछे गए हैं, बिकॉज मैंने देखा था कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, थोड़ा सा फिलोसफिकल SA आ रहे हैं इसमें, बिल्कुल हाँ जी, तो उसको मैंने एनालाइज करा कि आपको वहाँ पे कैसे अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है, उसमें कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज बहुत हेल्प करती हैं। मैं ये थोड़ा सा मेंशन करूँगा कि GS के लिए, ऑप्शनल के लिए, SA के लिए, सभी के लिए प्रीवियस ईयर टॉपर की कॉपीज को आप रेफर करते रहें, उससे बहुत हेल्प मिलती है। हाँ जी, तो SA में मेरा यही था, प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज मैंने बहुत रेफर करी, उसमें देखा उनके लिखने का तरीका कैसा था, वो किस तरह से किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते थे, कैसे लिखते थे, क्या कोट्स वगैरह भी यूज़ हो रहे थे या नॉर्मली अपना नेचुरली ही आप लिख सकते हैं तो वो कर सकते हैं, एंड कुछ अच्छे कोट्स आपके पास होने चाहिए, वेरियस इश्यूज जैसे चल रहे हैं ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को या सोसाइटी में जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनको लेके आप फिलोसफिकल एंगल से भी सोच सकते हो ना, फिलोसफी में आप डायमेंशंस बना सकते हैं, बिल्कुल। देन SA में मैंने यही अप्रोच रखी मेरी, डायमेंशंस बनाते हुए, क्रिएट करते हुए, थोड़ा सा SA पेपर को अप्रोच करते टाइम रफ वर्क कर लेना थोड़ा सा, बिकॉज उसमें टाइम अवेलेबल रहता है, तो इस तरह से ही मैंने अपनी अप्रोच रखी इसमें, देन अकॉर्डिंगली SA मेरा यही कवरेज है। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी किया, इंटरव्यू कैसे फेस किया, जबकि अभी आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कि आप इंटरव्यू दे रहे हो या मैच्योर हो उसमें, तो कैसे टैकल किया इसमें इंटरव्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में? इंटरव्यू के लिए मैंने, जैसे मेरा मेंस हुआ तो मुझे ये था कि इंटरव्यू देना है, देन वही टॉपर मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पर बहुत मिल जाते हैं, उसको रेफर करा, किस तरह से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंटरव्यू को, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है वो भी बताते हैं, उनको देखा, प्रीवियस ईयर टॉपर्स के हर तरह से स्ट्रैटेजी में प्रीवियस ईयर टॉपर्स को फॉलो करके काफ़ी हेल्प मिली है, थोड़ा सा मतलब यही है कि अपना अपने तरीके से जो हमें अच्छा लग रहा है उसमें सेलेक्टिवली चूज़ करते हुए आगे बढ़ा मैं, और मॉक इंटरव्यूज़ देखे उसमें, एंड देन मॉक इंटरव्यूज़ मैंने भी अटेंड किए जो कि काफ़ी एक रियलिटी चेक की तरह रहते हैं, फीडबैक वहाँ से मिल जाता है आपको, बहुत कुछ बहुत जनरल से फीडबैक मिलते हैं, जैसे आप बस इस चीज़ पे काम करिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहिए, थोड़ा सा कंटेंट पे काम कर लीजिए, अब ये टॉपिक छूट रहा है इसको कर लीजिए तैयार, तो थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू से हो जाता है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने आप में फर्म बिलीव रखना पड़ेगा कि आप अच्छा करेंगे इंटरव्यू में, तो ये है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स सेल्फ बिलीव जरूरी है, सेल्फ विदिन सबसे ज़्यादा उसमें जरूरी है। तो अच्छा ये बताओ, आपने किसी कोचिंग्स का कोई आपके इसमें रोल रहा या कोचिंग की आपने कोई डायरेक्टली कोचिंग आपने कोई ज्वाइन किया था या ऐसे? मैं बता देता हूँ, मैंने फुल जैसे GS के लिए या फाउंडेशन GS के लिए या ऑप्शनल के लिए जो फाउंडेशन बेसिक कोर्सेज होते हैं ऐसा कहीं ज्वाइन नहीं करा था, मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी। तो सेल्फ स्टडी से पूरा? हाँ जी, सेल्फ स्टडी करी थी। मैं बाकी बता देता हूँ, मैंने टेस्ट सीरीज जो थी फोरम IAS की, MGP टेस्ट सीरीज आती है, मैंने वो रेफर करी थी, एंड फोरम IAS की टेस्ट सीरीज से ये था कि मैं प्रीलिम से पहले भी काफ़ी आंसर राइटिंग कर चुका था, तो उससे हेल्प मिली थी MGP टेस्ट सीरीज से, तो उस टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा हेल्प मिली मुझे। देन आपको उसके बाद फिर
मैं जैसे प्रीलिम्स का टाइम आया था तो प्रीलिम्स के टाइम पे भी मैंने जो है अभ्यास जो होता है विजन का वो आई थिंक 3 उसमें टेस्ट रहते हैं वहाँ वो जाके दे आया था मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए मेरा हो गगया था देन फोरम का सिमुलेटर होता है वो मैं 4 टेस्ट थे वो दे आया था बाकी उसके अलावा फुल टाइम टेस्ट सीरीज भी मैंने प्रीलिम्स के लिए नहीं करी थी ऐसी एंड ऑप्शनल के लिए मैं बता देता हूँ जो मैंने कंटेंट अपना तैयार करा था वो खुद ही बेसिक सोर्सेज से ही करा था और उसके बाद फिर प्रीलिम्स मेरा जब हुआ था क्लियर देन मैंने एक 500 प्लस प्रोग्राम होता है गाइडेंस आईएएस का हिमांशु सर उसमें पढ़ाते हैं तो मैंने वो ऑनलाइन ले लिया था उसमें मेरे को ये था कि जो क्वेश्चंस वो बताते हैं उस पर आंसर का आंसर फ्रेमिंग और आंसर में कंटेंट थोड़ा सा एनरिच करने के लिए जो आप जो आपने तैयारी पहले कर रखी है उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने के लिए थोड़ा सा कंटेंट बेटर प्रिपेयर करने के लिए तो 500 प्लस का जो प्रोग्राम था थोड़ा सा उसने काफ़ी हेल्प करी थी उसमें एंड देन उसमें टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल थे तो टेस्ट भी लिखे थे ज्योग्राफी के बाकी कोचिंग से इतना ही था मेरा। अच्छा बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली आप कितने आवर स्टडी करते थे अगर हम देखें ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट वो बोलते हैं कि क्वालिटी पे काम करते हैं आवर नहीं देखते हैं लेकिन एक नॉर्मली हम क्या टाइम रख सकते हैं आपका कितना आवर रहा है डेली बेसिस। देखिए ये वेरी करता है अलग अलग लोगों के लिए हाँ जी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मैं अगेन ये चीज़ बोलूँगा कि आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट मत करिए आप थोड़ा क्वालिटी अपनी इम्प्रूव रखिए एफिशिएंसी रखिए अगर आप 6 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हो और एफिशिएंसी आपकी बहुत बढ़िया है आप कोशिश कर रहे हैं कि यूटिलाइज करें इस टाइम को है ना मेक इट काउंट देन आप 6 से 8 घंटे में बहुत अच्छा पढ़ लेंगे बाकी जब एग्ज़ाम नज़दीक रहता है जैसे प्रीलिम्स हो गया मेंस का टाइम बहुत हेक्टिक रहता है तो आपको आई थिंक 10 से 12 घंटे तो एटलीस्ट पुट इन करने पड़ते हैं ये तो मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स या जिन्होंने क्लियर करा है वो सब एक कॉमन इतना तो करते ही करते हैं बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच।